दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि जो टीवी कैबिनेट होता है इसमें वायरिंग कैसे की जाती है जिससे कि तार जो है ऊपर की तरफ से ना दिखाई दे। तो इस वीडियो के बारे में प्रवीण जी ने पूछा था हमको। तो प्रवीण जी, थैंक्स, आपकी वजह से ये वीडियो बन रही है। तो यहाँ पर पहले से वायरिंग की गई है अंदर साइड से। अगर वायरिंग नहीं की जाती है तो उसका भी ऑप्शन हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम लोगों ने पाइप से काट कर निकाल लिया यहाँ पर झीरी से तार को। अब यहाँ पर ऊपर का पैनल लगाते हैं। नीचे साइड में ये पाइप गया हुआ है, यहाँ पर डिब्बी दी हुई थी तो डिब्बी के बीच में हम लोगों ने एक प्लाई में छेद कर दिया है जिससे कि तार वगैरह जो है यहीं पर से निकल आएगा। और इसके बगल में भी एक बोर्ड दिया हुआ है, ये बोर्ड भी सीधा उसी डिब्बी में गया हुआ है, कनेक्ट है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसका भी ऑप्शन रहता है हमारे पास, उसके लिए भी हम कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने टीवी जो पैनल है हमारा ऊपर का बॉक्स, अब दिखाते हैं ये जो है पैनल। इस पैनल में एक जुगाड़ कर रखा है हम लोगों ने, उसको हम निकाल करते हैं। इसमें बोर्ड का खाँचा हम लोगों ने काट रखा है पहले से जिसमें कि एक बोर्ड फिट हो जाएगा। अभी हम इसको नीचे से दिखाते हैं। इसमें हम लोगों ने तार जाने के लिए बोर्ड के बगल में दो बोर्ड ठोके हुए हैं जिससे कि आराम से छेद होकर, ये देखिए ये बोर्ड है, ये इससे आराम से नीचे तक ही कटा हुआ पूरा। तो इसके अंदर से छेद करके पूरा नीचे तक हमारा वायर चला जाएगा। अगर पाइप में झीरी नहीं होती है तब इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पाइप दिया हुआ था तो पाइप से हम लोगों ने झीरी काट ली है और झीरी भी कटवा सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और नीचे साइड से दिख नहीं रहा है, मैं बाहर से दिखा देता हूँ। तो पीछे साइड से आपने लोग देखा, और यहाँ पर एक बोर्ड फिक्स हो जाएगा जिससे कि आप अपना वायर वगैरह जो भी है यहीं पर प्लग से लग जाएगा। और इसके अलावा एक बोर्ड नीचे हम लोग दे देंगे यहाँ पर टीवी का, और उसका बोर्ड हो जाएगा जिससे कि कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में साइड में भी दे सकते हैं, साइड में जो हमारा बॉक्स है उसमें भी, तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा इसमें। इसके अलावा एक साइड में भी बॉक्स है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत होती है फर्नीचर से रिलेटेड काम में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं जिससे कि हम आगे इसी तरह की वीडियोस को और भी लाते रहें। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा फिट हो गया है। अब इसी सामने की तरफ में एक बोर्ड हमारा लग जाएगा और इसके अलावा नीचे साइड में छेद है तो यहाँ पर सेटअप बॉक्स वगैरह भी रख जाएगा आराम से।